सज्जनों, ये बड़ा सुंदर और पावन अवसर आपन के पवित्र ग्राम दापाली के पावन धरती में भगवान राम की कथा बहुत है जी। आप सब अपन तन मन धन लगा के राम कथा गाय के सुने पर बैठे हो। कल युग सम युग आन नहीं, जो नर करे विश्वास, गाई राम गुने गने विमले, भवतर बिनु ही प्रयास। सज्जनों, कल युग में राम के नाम सार है, अवैसन आप सब अपन मानव जीवन के परम और चरम लक्ष्य ला पाए बार राम कथा गावत सुनत बैठे हो। ये देव दुर्लभ मानव के तन ते तन ला पाए बार देवता मन घल तरस थे, कहे गलो कि उसकी मानव जन्म दुर्लभ है जो मिले न बारंबार, मानव जन्म दुर्लभ है जो मिले न बारंबार, पत्ता फल जो गिर पड़े तो बहुरी न लागे डार, बहुरी न लागे डार। ऐसा देव दुर्लभ ये मानव के तन है, ये तन के बारे में एक पंक्ति हलवी घलो के है कि काबर बस्तर ले आए हैं। अब बस्तर के नाना प्रकार की बोली, कोनो डहर बोंडी, कोनो डहर हलवी, कोनो डहर भद्री, एक पंक्ति आप सबके बीच में हलवी में कि मचो करी बोगेला, मचो करी बोगेला, मचो करी बोगेला, ऊपर पानी झमझरेला, लेदरी बोगेला, मचो करी बोगेला, मचो करी बोगेला, ऊपर पानी झमझरेला, लेदरी बोगेला, मचो करी बोगेला। कैसे हाथ तो नहीं मनवा हलवी के, एक अर्थ जानतो बता दे। वैसे संत मन मन ये तन के बारे में कहिन, मोचो मने, मोचो मने मोर हलवी में, मोचो मने मोर करी मने शरीर, अब बोंगेला मने, बोंगेला मने बंगाला, मोचो मने मोर करी मने शरीर, बोंगेला मने बंगाला। अब यदि कोनो ऊपर ले करा वो पानी गिर ही तो जे पाके रथे वो बंगाला फूट जथे, तब ही ला लेदरी बोंगेला ऐसे की। तुम्हारे डर काला लेदरी का देखी जे बिल्कुल गुलगुल ने पाक के है, पानी करा कोनो गिर ही तो पक्का बंगाला फूट जथे। तो ये मानव के तन कैसन है कि से एक पक्का बंगाला के समान, यदि कोनो ऊपर ले करा वो पानी गिरते तो सज्जनों फूट जथे। ऐसा देव दुर्लभ ये मानव के तन है। अब आप सबके संग में हवमन लगाए के हे सुने के अवसर दे हो। आदरणीय संत जनमल हृदय से धन्यवाद जिमन हमला अपन वाड़ी ला पवित्र करे के अवसर दी। भगवान राम के अनंत गाथा लगाए के हे सुने के अवसर दी। जिमन ला देखा था ना जिकर गवई ठिकाना है, ना जिकर बजे ठिकाना है। अब जानतो जंगल है मन चित्रा मुस्वमरिया तान, भगवान के अनंत नाम जिला बड़े बड़े शेष महेश मन निगायल संगीत तेल आप सबके बीच में गाय बजाता। एक बार जोरदार जयकारा हो बस्तर के आराध्य देवी माँ दंतेश्वरी के चरण कमल में, बोले दंतेश्वरी मैया की जय। आया मुझो दंतेश्वरी भुव भैरम आय, भाई दंतेश्वर बोई इंद्रावती सुंदर मचोवाय, तुमके शरण शरण आए, तुमके शरण शरण आए, जय हो दंते वरियादि भवानी। बैला डीला चौकार खाना रसिया चितर कोटी रे दादा, रसिया चितर कोटी, मचोराज से सफया से आए बस्तर माटी रे दादा, आए छत्तीसगढ़ माटी, कितको सांगले सले बले नहीं सांग दे तुमको आ, भाई डंड सर बोई निंद्रावती सुंदरे मचोवा, तुमके शरण शरण आए, तुमके शरण शरण आए, जय हो दंते वरियादि भवानी।
बोलिए दत्ते सवरी मैया की जय। सज्जनों आवा चलन कथा प्रसंग आप सबके बीच में अयोध्या कांड ले कह के आदेश हो है जहां संत मन की अयोध्या के अर्थ जहां यज्ञ हो जहां योग हो जहां ध्यान हो। अब हमन ला तो आप मन के गांव दापाली घलो अयोध्या कोनो कम नहीं लागत है काबर सब के सब अबका रात हो गए तले एक ठन पंडाल के खाले में बैठ के राम कथा सुनत हो। अब यही अयोध्या के प्रतीक हरे कि जीव जिहां अपन आपस के बैरला त्याग के अपन आपस के दुश्मनी त्याग के नित कई जन ऐसा चलो बैठे हो का बताओ एकर थोथनल नहीं देखते मैं इसके बैठे हो कई जन बैठे हो जे मन एक दूसरा देखी के खड़ी होत हो लेकिन राम कथा के होते चार दिन ही है एक ठन पंडाल में बैठ के राम की कथा ल सुनी। अब यही अयोध्या के प्रतीक हरे जी हां भगवान रामला राजा बनाए के तैयारी करेगी पूरा अयोध्या नगर में ये बात हर फैल गई कि राम हकाली राजा बनने वाला है। मानस में वरवर करी सकल कहई सब होई है काली कुमति मनावई देव कुचाली। जब तक अयोध्या नगर है सब में ये बात फैल गई कि हमारे गांव में राम राजा बनने वाला है राम राजा बनने वाला है। और हर मनुष्य दुनिया में चाहते कि हमरो गांव के राजा जो है राम के समान होना चाहिए। तुम्हारे गांव का मन चाहते नहीं दापाली के मन हां राम असन राजा बने ऐसे कहीं सोचो कि रावण असन राजा मने गांव के सरपंच था 5 साल का राजा हरे तो यहां राम असन ल बना थो रावण असन ल बना थो। हर जीव के मन में भाव रथे कि हमरो गांव के जेन राजा बने वो राम के समान हो। लेकिन बड़ा विचित्र बात लिखी बाबा तुलसीदास जी महाराज अयोध्या नगर में बिल्कुल राम राजा बनने वाला रही से वो राम ला 14 साल के वनवास होए बर जावत है। देवता मन विचार लगे कथे कि राम यदि कोनो राजा बन जही तो वो केवल अयोध्या नगर बर ही रही और राम के अवतार अयोध्या बर ही हो है। राम के अवतार केवल अयोध्या बर नहीं बल्कि राम के अवतार ये पूरा विश्व के हित बर। जब ये दुनिया में अधर्म बढ़ गए रावण के अत्याचार बढ़ गए जब जब होए धर्म के हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी तब भगवान के अवतार हुई काकर बर अपन भक्त मन के हित करे बर और ओकरे बर भगवान राम जो है राज्य ला स्वीकार नहीं करी। ये बड़ा विचित्र कथा है। राजा दशरथ अयोध्या नगर के राजा रही थे लेकिन जब राजा दशरथ देखिस अपन कान कर चुनी पाक के है। राजा दशरथ देखिस कि कान कर चुनी पाक के है तो वो रामला राजा बनाना चाहिए। श्रवण समीप भय सित के सा एकाएक ही संकेत हरे जिकर चुंदी पाक के मने भगवान घर के संकेत है। ऐसे नहीं आजकल तब लड़का मन के घलो चुंदी पाक जाते वो बात नहीं है लेकिन सियान होए पाक कोनो चुंदी पाक के नहीं कान करा के डहर वो डहर तो समझ ले कि अब ये संसार लेते अपन मन ला हटा और हरि में जोड़। लेकिन अभी कोनो गांव सरपंच बने पारी अभी तो डोकरो तुरंत खड़े हो जाते सियाने सियान मन खड़े हो जाते। देखो रे भाई यहां सरपंच कहो होई मोल कथे से मत कहो हम तो लगी कहा था सियाने सियान मन खड़े हो जाते देखो दादा हो खड़े हट ना ऐसे कहते ओकर कर जही देखो दाई हो खड़े हट हो एक गांव देख देखो रे भाई त काबर खड़े हो बैठ जाना बैठ जा हम तो तोल खड़े ली के ना ही सब ले खड़े हट ना एक गांव देख देखो रे भाई। राजा दशरथ ए विचार लगई कि मैं राम ला राजा बनाते हूं
लेकिन भगवान राम विचार लगे कि मैं अभी राजा बने के लिए नहीं हो, ऐसे कही कि भरत का राज गद्दी सौंप दे। जे प्रसंग में हम चर्चा करे बर के कवि ने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास जोग सिद्धि फल समय जिनी जीत अविद्या नाश। राजा दशरथ राम का राजा बनाए के तैयारी में व्यस्त रही, माता कई कई को भवन में गे रही और जिला मनाए बार राजा दशरथ को भवन में पहुंचे। कवने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, जी हाँ राम का राजा बनाए के तैयारी चलत रही से ऊंचे अब शोक समाचार फैले वर लगत थे। यही प्रसंग में चर्चा करबो एक भजन के संग बोल श्यामर रामचंद्र की। बस तरे मां दंतेश्वरी मैया डोंगर गणे बमलाई रतने पुर महामाया देवी सम्मल पुरे समलाई चले गावो रे भजन संगी रे रे लो रे रे ला रे रे ला रे रे ला रे रे लो रे रे ला रे रे ला रे रे ला। निवेदन हाथ ल उठा जेकर जेकर कर हाथ हेते मन नहीं हेते मन गोड़ ल मत उठाओ हाथ हेते मन बाबा मन घलो भैया मन घलो दीदी मन सबके सब ऐसे रे रे ले रे रे ला 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 चले गाओ ला
हरी बोल। राम कथा सुने बर उही आथे जेल नी रहय कोनो गम, राम कथा सुने बर उही आथे जेल नी रहय कोनो गम, और ताली उही जोरदार बजाथे जेकर हाथ में हावे। ले तो बोला काका काका हाथ में दम, भजन फिर बजाना है। रे रे ले रे रे ला रे लखन सिया राम चंद्र
शंकरे हरि सज्जनों बड़ा सुंदर बात लिखी बाबा तुलसीदास जी महाराज की। राजा दशरथ जब सुनी की माता कैकेयी हरिसाग है तो संध्या के समय में माता कैकेयी कर मनाए लगी। साध समय संध्या के समय में राजा दशरथ माता कैकेयी के भवन में गिस और संत मन कहिन कि संध्या के समय में मंदिर में जा, संध्या के समय में मंदिर में जा, मस्जिद में जा, गुरुद्वारा जा, खेत खार नहर की रोड नहर पहले पर जा। लेकिन कोनो नारी के भवन में संध्या के समय में नहीं जाना है। काबर के तनारी के अर्थ होते काम वासना और मनुष्य ला संध्या के समय में वासना के भवन में मत जा। राजा दशरथ की देखी माता कैकेयी परे है और कैसन पड़े है कि तकोप भवन मने और ओरिसाय के भवन हरे। पहली पहली जब बिहाव हो बिहाव हो के आए तो राजा महाराजा घर में एक ठन रिसाय के अलग से घर रहा है। जैसे कहानी बताए नहीं नौकरी दाई मन नाने नाने रहा था कहानी बताए रिसाय कोनो पारी आए तो टूटा खटिया फूटा गोरसी उधर के सूझ जाए तो उसने माता कैकेयी है घलो अलग से एक भवन में जो बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन रही वो सब ला छोड़ के बिल्कुल एक अलग भवन में जाके रहने लगी। राजा दशरथ की और जाके राजा दशरथ कथे की कैकेयी ऐसा कौन तोला का के है मोल बता। कोनो यदि आंखी देखई सोही तो मैं ओकर आंखी निकाल लो। राजा दशरथ कहल लगी चक्रवर्ती राजा दशरथ सम्राट कोनो यदि आंखी तोल देखई सोई तो मोर आंखी निकाल लो। कोनो अंगरी देखई सोई तो अंगरी तोड़ दो। माता कैकेयी चुप चुप और नारी मन के स्वभाव हरे। यदि कहीं बात ला तोला मनवाना है नहीं तो 10 गांव गोठिया ले अपन सने दैसे से कर तो वो ऐसे कही चुप चिटका दी। दो चार गांव गोठिया या कहीं चुप्पे मिट गई से नहीं मैंने समझ ले कि माई लोगी मर रिसान काबर सबो माई लोगी रिसान थे और सबो जाना थे अपन अपन घर वाला मान है। माई लोगी मर रिसे ही नहीं तांते 15 गांव गोठिया तरह कर वो वही निकाह है। राजा दशरथ मनावा थे कई कई ते मोर बात लमान तो लकोन का की अड़बड़ समझाई कथे राजा दशरथ लेकिन माता कई कई सो है वाले उठे नाव मिली और संत मन की मूर्ख के सिखलावते ज्ञाने घाट के जाए कोयला हो ना उजरा चाहे सौ मन साबुनीला। एक मूर्ख व्यक्ति लते कत को समझा ले।